संसद में आज भी दिल्ली मामले को लेकर हंगामे के आसार। विपक्ष के हंगामे के कारण 3 दिन से संसद में नहीं हो पा रहा है काम। कल लोकसभा में कांग्रेस के 7 सांसदों को किया गया था निलंबित। कांग्रेस इससे भी मना सकती है लोकसभा में मुद्दा। विपक्ष दिल्ली हिंसा पर तुरंत चर्चा कराने की मांग पर अड़ा। दिल्ली मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। पहले हाईकोर्ट ने 13 अप्रैल की दी थी तारीख सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। अब आज सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट। याचिका में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा पर लगा है लोगों को भड़काने का आरोप। दिल्ली हिंसा में चली गई थी 48 लोगों की जान, 200 से ज्यादा लोग हुए हैं घायल। कोरोना वायरस के प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ी। वायरस से खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने किया ऐलान। आज से 31 मार्च तक बंद रहेंगे दिल्ली के सभी प्राइवेट और सरकारी प्राइमरी स्कूल। दिल्ली के दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर भी लगी रोक। भारत में हो चुकी है कोरोना के 30 मामलों की पुष्टि। एयर इंडिया को बेचने के लिए आगे बढ़ी सरकार। बोली दाताओं के सवाल और आपत्तियां लेने की आज अंतिम तारीख। बोली जमा कराने की 17 मार्च है अंतिम तारीख। एयर इंडिया में अपनी पूरी 100% हिस्सेदारी बेच रही है सरकार। काफी समय से वित्तीय संकट से जूझ रही है एयर इंडिया। मंत्री का दावा, पिछले साल तक 65,000 करोड़ रुपए का था एयर इंडिया का घाटा। आज पेश होगा महाराष्ट्र का वार्षिक बजट। विधानसभा में वित्त मंत्री अजीत पवार सुबह पेश करेंगे बजट। विधानसभा में पहली बार सुबह 11 बजे पेश होगा बजट। अब तक दोपहर 2 बजे पेश हुआ करता था बजट। महाविकास आघाड़ी सरकार के पहले बजट में आम लोगों के लिए हो सकती है कई घोषणाएं।